वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई मैं मुबीन मिर्ज़ा हूँ, INS का चीफ एडिटर। आज मैं नाइट में था, जॉब पे अपना काम कर रहा था नाइट ड्यूटी में, तो चंदनगुट्टा PS लिमिट के अंदर बारकस जुमेरा होटल में मैं ऐसे ही सतीश साहब की गाड़ी आगे जा रही थी, मैं उनके साथ साथ गया क्या कुछ हो रहा देखने के लिए। तो वो जुमेरा होटल पे गए थे, जो बारकस में जुमेरा होटल है जो बहुत मशहूर है, वो जुमेरा होटल में गए। बाद में वहाँ पर से उनके कोई मैनेजर और कोई ओनर है पता नहीं है, उनको साहब ने साथ में अपने गाड़ी में बिठा के ले जा रहे थे। उसके बाद में फिर मैं वहाँ पे कवरेज करते हुए, जब एक जवान और मैं दोनों मिलके जब जुमेरा होटल का शटर उठाए तो हम मैं अंदर घुसा, अंदर घुस के मैं अंदर का कवरेज कर रहा। तकरीबन 60 से 70 आदमी अंदर खाना खा रहे थे, मतलब भरपूर तरीके से कारोबार बिजनेस चल रहा था वहाँ पर, जिसका मैं विजन ले रहा था। विजन लिए बाद में मैं बाहर निकला तो मैं अपनी लेते हुए आ गया तो वहाँ पे सारे लाइटें बंद करके अंधेरा कर दिए थे। पुलिस वाले अपना काम करके उनको, मतलब अपनी गाड़ी में बिठा के जुमेरा होटल के ओनर को PS लेके जा रहे थे। तो वहाँ पे जुमेरा होटल के जो मैनेजर है, पता नहीं ओनर है, आई डोंट नो कौन है, वो लोग मेरा नाम पूछ रहे थे। नाम पता नहीं क्यों पूछ रहे थे, या नाम पूछ के मेरे को और क्या, बल्कि कस्टडी में पुलिस की गाड़ी में रह के, मेरे पास पूरा वीडियो है उसका, मेरा नाम पूछ रहे, तेरा नाम बोल, नाम क्या है बोल, तू कौन से मीडिया से है बोल। मैं बोला मैं पुलिस के साथ आया हूँ, मैं मीडिया पर्सन हूँ, आप PS चलो, मैं भी आपके साथ में आ रहा हूँ। अरे तेरा नाम बोल, ताम बोल, ये जुमेरा होटल के ओनर से पता नहीं कौन है, वो लोग मेरा नाम पूछ रहे थे। उसके बाद में वो गाड़ी पुलिस की गाड़ी में बैठ के चले गए। मैं अपनी एक्टिवा गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था तो पीछे से एक आदमी आके मुझे लात मारा, फिर सामने से एक और एक जो लुंगियों पे थे, कोई लुंगी चाऊशा थे वो, तो एक जना आके मेरा गला पकड़ा, एक जना मेरा ID कार्ड पकड़ के, गला पकड़ के मेरे ID कार्ड का वीडियो निकाला, कोई एक वीडियो खींचा, मेरे साथ काफ़ी सारी बदतमीजी हुई वहाँ पर एक मीडिया पर्सन के साथ में। तो वहाँ पर पुलिस नहीं थी? पुलिस वहाँ पे थी, 2 गाड़ी पुलिस थी, एक गाड़ी में तो सतीश साहब जहाँ पर मौजूद थे, SI जो चंदनगुट्टे के सतीश साहब है, उनकी गाड़ी में बैठ के गए। बाद में फिर फ्रेंडली पुलिस की और एक गाड़ी थी वहाँ पर, वो खाली तमाशा देख रहे थे। मैं बोल रहा हूँ भाई मैं अकेला हूँ यहाँ पे, आप मेरा साथ दो तो शायद, उनको भी बिरयानी खाने की हुक्की लगी थी, उन्होंने अपनी बिरयानी खाने की तरफ चले गए, मेरे तरफ कोई भी नहीं आया। और मैं वापस आया फिर PS के अंदर आके, सतीश साहब वहाँ पे थे, साहब आप गए बाद में मेरे साथ ऐसा हुआ, तो सतीश साहब बोले आके वहाँ पे कंप्लेन दो, मैंने कंप्लेन दिया। और मैं एक अस्थमा पेशेंट हूँ, एक अस्थमा पेशेंट होने के नाते मेरी तबीयत ख़राब हो गई वहाँ पे, मेरा तबीयत ख़राब होने से सांस लेने में दिक्कत हो गई, फिर MSC लेके मैं हॉस्पिटल में आया हूँ, उस्मानिया हॉस्पिटल में हूँ। मेरा कहना ये है साहब, खैर मेरी तो तबीयत जैसी भी रहेंगी रहेंगी, लेकिन ये बताया ये जा रहा है कि हॉस्पिटल के अंदर, सॉरी PS के अंदर, जो जुमेरा होटल, मेरी आँख खुले जब से देख लेती आ रहा हूँ, मैं भी बारकस में पैदा हुआ वाला हूँ, मेरी भी अवर्ड बारकस में गड़ी सो है, जो नाम पूछ रहे हैं उन्होंने खुद नहीं जानते मैं कौन हूँ। लेकिन मेरा ये कहना है, ये जुमेरा होटल जाके जुमेरा शादी खाना बन गया, ये जुमेरा होटल वाले शादी खाने का लाइसेंस निकाल के वहाँ पर रात देड़ गए थे, बल्कि सुबह तक वहाँ पर बिरयानी लोगों को खिला के अपना बिजनेस कर रहे हैं, एक शादी खाने का लाइसेंस निकाल के। तो मेरा ये कहना है हमारी फ्रेंडली पुलिस चंद्रनगुट्टे से, ज़रा उनसे वो लाइसेंस लेके चेक करो। और दूसरे मेरे पास ऐसे ऐसे विजिल है, आप लोगों की भी शादी खाने में शादी होती होगी, शादी हो गए बाद में लोग पेटीएम करके जाते या ATM डाल के जाते या पैसे दे के जाते, वो शादी खाना ऐसा है, उनका कहना है शादी खाना है जिसमें लाइसेंस है, वहाँ पे लोग खाना खा के पैसे दे के जा रहे हैं। ऐसे शादी खाने होंगे तो बहुत अच्छे हैं, लोगों की शादियाँ भी बहुत अच्छी तरीके से होते हैं, लेकिन एक शादी खाने के नाम के ऊपर लाइसेंस निकाल कर, लोगों की आंखों में, खानों के हाथों में धूल झोंक कर, एक जुमेरा होटल अपना कारोबार चला रहा, इसका अंदाज़ा इसका कोई पता नहीं है चंद्रनगुट्टा PS को जिसके बारे में ये हो रहा। अगर उसका पोल खोलने के लिए एक हमारे सतीश साहब जो अभी वहाँ पर आए हैं, उन्होंने वहाँ पर जाके अगर रेड करते हैं, अगर पकड़ते हैं, एक मीडिया पर्सन, ओनली 1% था वहाँ पर, मैं उसके विजिल लेता हूँ सच्चाई सामने लाने के लिए। खैर पुलिस पे तो कोई हाथ नहीं उठा सकता, बड़ा बोल नहीं पड़ सकता, क्योंकि हमारे पास वर्दी नहीं है, हम बगैर वर्दी के हैं, हमारे ऊपर हाथ उठाया गया, हमको मारा गया, हमारे को बेइज्जत किया गया। तो हमेशा मीडिया हर सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करती है हर तरीके से, आज वही सच्चाई सामने लेके आया तो मीडिया के ऊपर हाथ साफ कर दिया गया। तो हमारी पुलिस से, हमारे कमिश्नर साहब से हमारी ये इल्तिजा है, हमारे DCP साहब, हमारे कमिश्नर साहब ये बोलते हैं कि मीडिया हमारे पुलिस का साथ दो, पुलिस आपका साथ देंगी। तो चलिए देखते हैं, आज एक सहाफ़ी जख्मी होकर मारा खा के PS में आया है, एक पुलिस का साथ देते हुए, मेरे पास पूरे एविडेंस है, मेरे सवाल जवाब भी है सतीश साहब के साथ में, वहाँ पर 60 से 70 आदमी खाना खा रहे हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे, आप 2 आदमी को ले जा रहे हो, तो उनका ये कहना है कि हम एक्शन लेने ले जा रहे हैं।
वो खुद बैठ के वही जुमेरा होटल की बिरयानी मंगा के खा रहे हैं वहाँ पर, वो दोनों मुतकंडे बैठ के। और जिस जो लोग जुमेरा होटल के जो लोग हैं, ये मेरे पे पूरा बस क्या बताएं, हमारी बेइज्जती होती है। और जो भी है एमएससी में लिखा हुआ है, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि मीडिया पर्सन के ऊपर ये हो रहा है तो हमेशा ये होगा, तो सहाफत कौन बताएगा, सच्चाई कौन बताएगा? जब हम सच्चाई बता रहे हैं तो हमारे ऊपर ये काम हो रहे हैं तो पुलिस क्या कर रही है? तो पुलिस फ्रेंडली पुलिस ही रहेंगी, पुलिस अपना काम नहीं करेंगी। अभी देखते हैं पुलिस क्या काम करती है। दो मुतकंडे को लेके आए हैं, उसके लोग मेरे पर हमला करे हैं, मैं वहाँ पर पिटीशन दिया हूँ, और मेरी क्या कार्रवाई आगे बढ़ती है ये भी हम देखेंगे। और मैं वो पूरे वीडियोस पूरे शाया करूँगा पूरी मीडिया में जो वहाँ पर हो रहे थे। ये आज की बात नहीं है, ये हमेशा चलने तैयार रहा, लेकिन दिल होना पड़ता वहाँ तक जाने के लिए। लोगों के लिए दिल नहीं है बारकस में घुसने के लिए। मैं भी एक बारकस वाला हूँ और बारकस में घुसा हूँ और सच्चाई को सामने लेके आया हूँ। अगर कोई जान सकते हैं तो वीडियो में। आप वहाँ पर आके होटल वालों से मामूल के लिए डिमांड करें बोल के बता रहे हैं वो? जी, मामूल के लिए अगर डिमांड करे हैं तो पुलिस वाले भी मामूल के लिए डिमांड करना चाहिए, क्योंकि पहले पुलिस पहुंची बाद में मीडिया पहुंची। और पुलिस वालों को ये तक नहीं है कि मीडिया वाले कैसा आ गए वहाँ पर। जी, मीडिया वाले एक्चुअली कैसा आ गए उनको खुद नहीं मालूम। वो भी वीडियो है मेरे पास, वो बोल रहे हैं आप कौन है, मीडिया कहीं को ले रहे हैं। आई एम द मीडिया बोलते हैं। सतीश चौप पलट के बोले आर यू मीडिया प्लीज कवरेज बोलते। जब मैं जाके कवरेज करा तो इसका मतलब क्या है, पुलिस वाले जाके मामूल लिए, पहले जाके मीडिया वाले मामूल लिए? आप सच्चाई सामने लाइए। पुलिस वाले अगर पुलिस वाले अगर मामूल लेते तो उनको अरेस्ट करके नहीं ले आते। अगर मीडिया वाला अगर पुलिस के बाद में आया तो वो क्या करा, ये तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए ना सर। ठीक है सर, तो हर झूठा आदमी यही लेके आता है सच्चाई को सामने कि इन्हों मामूल पूछे इन्हों ये करे। लेकिन एक ये मैं आप बारकस वालों को ये कहना चाह रहा हूँ, ये नाम पूछना छोड़ो, सुने ना ए बारकस वालों, नाम पूछना छोड़ो। जब हम तुम्हारा नाम पूछेंगे चंदन गुट्टा चढ़ना भूल जाएंगे तुम लोग, ठीक है? समझ लो ए जुमेरा वालों, समझे? हमारा नाम पूछते कहीं को तिलक लगा के था क्या? हाँ, तिलक लगा के आया था तुम्हारे पास? जो नाम पूछ रहे थे तुम मेरे को, नाम पूछ के क्या करते आप? मेरा मारते मेरे को, मीडिया का नाम पूछे, मेरे फोटोज लिए, मेरे आईडी कार्ड की फोटोज लिए लोग, जबरदस्ती करके। ओनली 1% था मैं, उन लगा 4-5 आदमी थे। मैं पुलिस से दरखास्त करूंगा वो कौन आदमी था जो मेरे साथ में यह हमला किया, उनको सारों को अरेस्ट करना। और मैं तो ये हमारी पूरी मीडिया क्या हरकत करेगी हम बता देंगे आप। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।